हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। आई एम कमिंग बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर ऑन बीएससी सेमेस्टर 6 बॉटनी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट सब यूनिट ऑफ यूनिट फर्स्ट। एज वी नो दैट आई हैड ऑलरेडी पोस्टेड द वीडियोज ऑन द 1.1 in which I had discussed about the wheat cultivation, rice cultivation and the maize cultivation. So today I am going to start with the 1.3 of this unit, that is non-alcoholic beverages, in which you have to learn about botany and the processing of two plants, tea plant and the coffee plant. And in this video lecture I will deal with the coffee plant. So let's start. So the plant is coffee. First of all, we will know about its botanical name and the family it belongs. Coffee arabica is the botanical name. Coffea is the genus and the arabica is a species. The family is Rubiaceae family. It is a stimulating non-alcoholic beverage and which is obtained by soaking and boiling roasted and ground seeds of the Coffea arabica, which is commonly called as coffee, right? It is stimulating but non-alcoholic, right? Iska koi harmful effect nahi hota body ke upar as the as that of that alcoholic beverages have, right? So but it is stimulating, it stimulates our central nervous system, right? So when you feel fatigued or exhausted, you go for a cup of coffee, right? So what this coffee do, it stimulates our nervous system. So जितनी भी थकान है वो सारी भाग जाती है, right? So first of all we'll talk about its origin and distribution. Word coffea is derived from a kaffa. And what is kaffa? It is a name of a district in Showa. Showa कहाँ पर है? Southwest Abyssinia में, right? Where the coffee plant first discovered? यहाँ पर पहले बार कॉफ़ी प्लांट को देखा गया था, इसीलिए यहाँ से इसकी जो डिस्ट्रिक्ट का नाम था कफा, वहाँ से कॉफिया आया, वर्ड कॉफिया यहाँ से डिराइव हुआ। एंड दिस प्लांट इज इंडिजीनियस टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इथोपिया, राइट? इथोपिया के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे वहाँ पे ये प्लांट इंडिजीनियस था, मींस वहीं पर ये ग्रो करता था इथोपिया में। और वहाँ पर क्या किया जाता था, द लीव्स एंड द ड्राइड बेरीज आर मेस्टिकेटेड, मींस उनको चबाया जाता था। जिस तरह से हम चिंगम को खाते हैं उसी तरीके से इसके लीव्स और ड्राइड बेरीज को मेस्टिकेटरी एज अ मेस्टिकेटरी एजेंट एक्ट किया यूज़ किया जाता है, इसको खाया चबाया जाता था। Now what happens in the 8th century, sheeps, भेड़े, they accidentally eaten the fruits of this plant and they become excited and sleepless. वो excited हो गए, वो कहीं इधर उधर भागने लगे, उनमें energy आ गई, right? उनकी नींद सारी उड़ गई। तो तब इसको देखा गया कि it stimulates the body of an individual, ठीक है? In India, in Dutch, the coffee is introduced to Ceylon in 1658 and to Java. Dutch ने introduce करी coffee को Ceylon में in 1658 में और Java में. Now, in India, you have to remember this line. In India, coffee took its beginning in the early 17th सेंचुरी, 17वीं जो शताब्दी थी 17th सेंचुरी में कॉफ़ी टुक इट्स बिगनिंग इन द अर्ली 17th सेंचुरी। नाउ अ वेरी इम्पॉर्टेंट नेम आई हैव कोटेड हेयर इन रेड कलर,
द मुस्लिम पिलग्रिम वॉज बाबा बुड्ढन शाह। बुड्ढन शाह एक मुस्लिम पिलग्रिम था। इसने कुछ कॉफ़ी के सीड्स लाए थे मक्का से और उनको प्लांट किया चंद्रगिरी हिल्स नियर चिकमगलूर। चिकमगलूर में जो चंद्रगिरी हिल्स हैं वहाँ पर, इंडिया में ही है, ठीक है। चंद्रगिरी हिल्स जो थे नियर चिकमगलूर, वहाँ पे इनको प्लांट किया, ठीक। किसने किया था? मुस्लिम पिलग्रिम बाबा बुड्ढन शाह, ठीक है। देन आफ्टर इंडिया दिस कॉफ़ी प्लांट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन सम अदर कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, कोलम्बिया एटसेट्रा, एंड ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। नाउ इन इंडिया, राइट, इन इंडिया इन विच स्टेट द कॉफ़ी कल्टिवेशन टेकन प्लेस? दिस द नेम्स आर द कर्नाटका, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। सम सिटीज ऑल्सो मैसूर, सम स्टेट मध्य प्रदेश, चेन्नई। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया एंड टोटल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम दिस स्टेट ओनली। द टोटल प्रोडक्शन इज फ्रॉम इंडिया इज कम्स अलोन कम्स फ्रॉम दिस स्टेट। This is all about the origin and the distribution, right? Now we have to move towards the morphology of this plant. Genus Coffea has 25 species. The three among three are Coffea robusta, जिसको Congo बोलते हैं, Coffea excelsa, and Coffea librica, Librian, ठीक है? These three species you have to remember these three names: robusta, excelsa, and the librica. लिबेरिका। कॉफी अरेबिका इज़ वाइडली ग्रोन इन इंडिया एंड द सम अदर कंट्रीज, एशियन कंट्रीज। द कॉफी अरेबिका इज़ वाइडली कल्टिवेटेड एंड देर आर टू मेन वेराइटीज अंडर कल्टिवेशन। दो वेराइटीज़ को कल्टिवेट करवाया जाता है, अरेबिका वेराइटी एंड द बॉबन वेराइटी। टू वेराइटीज़ हैं जिनको हम कल्टिवेट करवाते हैं। इट इज़ अ परीनियल श्रब और स्मॉल ट्री, attains a height of 15 to 30 feet. The height is low because it is under cultivation by pruning. Pruning करी जाती है, होता क्या है, what happens, the main axis of this plant is cut, काट दिया जाता है उसको, ठीक है। काट दिया जाता है, क्यों काटा जाता है? So in order to promote the ब्रांचिंग हो। जब आप ऊपर से मेरिस्टमेटिक टिश्यू को काट देते हो तो जो एक्सिल्स पे लीफ के जो जहाँ पे नोड्स होते हैं वहाँ एक्सिल से एक ब्रांच निकलती है। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतने ज़्यादा हमें क्या मिलेंगे, इसके फ्रूट्स मिलेंगे, बेरीज मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए इसको प्रूनिंग करके इसको एक श्रब का जो है रूप दे दिया जाता है। एक बड़ा सा ट्री नहीं बनने दिया जाता है इसको, इसको काट दिया जाता है, इसकी प्रूनिंग की जाती है, राइट। एंड द लीव्स आर ऑपोजिट, हैव लीव्स शोइंग अपोजिट फाइलोटेक्सी, दे आर ओवेट शेप एंड द अंडुलेट मार्जिन्स। नाउ वाइट फ्रेग्रेंट फ्लॉर्स आर बॉर्न और इन डेंस एक्सिलरी क्लस्टर्स, ठीक है। एक्सिल्स पे वाइट कलर के खुशबूदार पुष्प जो फूल होते हैं वो लगते हैं। एंड द फ्रूट इज़ वन और टू सीडेड, फ्रूट में एक सीड भी हो सकता है या फिर दो सीडेड हो सकता है। एंड द फ्रूट टर्न्स क्रिम्सन रेड आफ्टर मैच्योरिटी, जब मैच्योर हो जाता है ये फ्रूट तो ये रेड, लाल रंग का जो है वो लाल रंग में तब्दील हो जाता है, ठीक है। यू कैन सी हेयर दिस इज द कॉफी प्लांट, राइट, दिस इज द कॉफी प्लांट एंड दिस इज द दीज आर द बेरीज। नाउ लुक एट दिस, दीज आर द लीव्स, ये लीव्स हैं, ये लीव्स हैं। लीव्स में देखो अंडुलेट मार्जिन्स हैं इस तरीके से, दीज आर द अंडुलेट मार्जिन्स एंड द लीफ इज ओवेट। इस लीव को क्या बोलते हैं, ओवेट लीव, राइट। एंड यू ऑल्सो
I can also see here, these are the fruits which turns crimson red after maturity, और कुछ green color के ही हैं, right? So this is the coffee plant. ठीक है, shrub होती है, छोटी सी perennial shrub है, pruning करवा दी जाती है. leaves किस तरीके से होते हैं मैंने आपको बता दिए, fruit किस तरीके का होता है, right? और इसकी जो हाइट है वो 15 टू 30 फीट ही रहती है. ठीक है, सो दिस इज़ द कॉफ़ी प्लांट, राइट. नेक्स्ट इज़ अ फ्रूट. फ्रूट इज़ अ टाइप ऑफ बेरी. ठीक है, इट मे बी वन सीडेड और टू सीडेड. इफ़ वन सीडेड फ्रूट, उसको हम पी बेरी बोलते हैं. अगर आपसे कोई पूछेगा कि जिसमें एक सीड होता है इसकी बेरी में, उसको क्या बोला जाता है, उसको पी बेरी बोला जाता है. और इसकी हायर प्राइस होता है देन द टू सीडेड बेरी. इसका जो रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है देन टू सीडेड बेरी से. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स द क्लाइमेट एंड द सॉइल विच इज़ रिक्वायर्ड टू इट इज विच इज़ रिक्वायर्ड बाय दिस प्लांट. It is a tropical plant which well grows in hot and moist climate. The cultivation restricted to some regions between 25 degree north latitude and 25 degree south latitude. इसके बीच में ही इसकी cultivation होती है. ठीक है, ये geographical area है जहाँ पर इसकी cultivation restricted है. इन्हीं regions में cultivation होगी क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा अमाउंट में सन रेज आती हैं, क्लाइमेट भी हॉट होता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये ग्रो करती है. टेम्परेचर 15 टू 21 डिग्री सेल्सियस का इसको चाहिए होता है. रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल ओवर 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए. एंड इट प्रेफर्स टू ग्रो इन डीप रिच वेल ड्रेन्ड फॉरेस्ट लोम. और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज लोमी सॉइल. लोमी सॉइल चाहिए होती है किसको, कॉफ़ी प्लांट को. नवंबर और जनवरी में इसकी कल्टीवेशन करते हैं. नाउ द कल्टीवेशन, नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट द कल्टीवेशन. कल्टीवेटेड ऑन स्लोप्स और टेरेस लैंड पे इसकी कल्टीवेशन करी जाती है. स्लोप्स और टेरेस लैंड आपको पता होगा. नीड शेड ट्रीज, इसको छांव चाहिए होती है. और इसके आसपास हम ट्रीज़ लगाते हैं लाइक सिल्वर ओक, अर्जुना के पेड़, ग्रीवेलिया रोबुस्टा, टर्मिनेलिया अर्जुना एंड अल्बिजिया लेबेक एट्सेट्रा. इट इज़ जनरली कल्टिवेटेड फ्रॉम द सीड्स. सीड से इसको कल्टिवेट किया जाता है. ग्रोन इन वेल मैन्योर्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड सीड बेड्स. इनको ग्रो करवाया जाता है बहुत ही वेल मैन्योर, जहाँ पर अच्छा खाद वगैरह डाला जाता है. एंड वेल प्रिपेयर्ड सीड बेड्स. द सीड टेक्स अबाउट 30 to 40 डेज फॉर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के लिए इनको 30 से 40 दिन मिल चाहिए. जब 6 महीनों का ये प्लांट हो जाता है, इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है रेनी सीजन में जब बारिश वगैरह होती है, उसमें इसको वहाँ से निकाल कर फील्ड में लगा दिया जाता है. इट बेयर्स फ्रूट्स इन द थर्ड ईयर. तीसरे साल इसको फ्रूट लगते हैं. एंड फ्रूट जो है वो 50 सालों तक लगते जाते हैं, कंटिन्यू टिल 50 ईयर्स. प्लांट्स आर अबाउट 2.5 feet इन हाइट. मेन स्टेम को प्रून कर दिया जाता है एज आई हैव टोल्ड यू. प्रोसेस इज रिपीटेड. प्लांट अटेन्स 5 feet हाइट. प्रोसेस को रिपीट किया जाता है तब तक जब तक प्लांट 5 feet की हाइट अटेन ना कर ले. हार्वेस्टिंग. फ्रूटिंग स्टेज स्टार्ट 3 or 4th year. थर्ड और फोर्थ ईयर, तीसरे और चौथे साल फ्रूट्स लगते हैं. बेरीज राइपन होती हैं 8 से 9 month में. हाथों से इसको तोड़ा जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है कि ग्राउंड पे गिरेंगे तो हम इनको पिक करेंगे. फ्रूट्स पिक्ड 3 to 12 times per year. जब फ्रूट्स बन जाते हैं
तीन से 12 बार इसको एक एयर में कलेक्ट किया जाता है, पिक किया जाता है. एंड सम कंट्रीज लाइक अरेबिया एंड द ब्राज़ील, दे प्रेफर्ड टू पिक द फ्रूट्स विच आर फॉलन ऑन द ग्राउंड. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन द रीजन्स, ये जो फ्रूट पिकिंग है एक साल में कितनी बार होगी, 3 से 12 का लिखा है, लेकिन ये रीजन्स पे डिपेंड करता है ना. जहाँ पर जल्दी फ्रूट्स पक जाते हैं उनमें जल्दी उतार दिया जाता है उनको, जहाँ पर टाइम लगता है वहाँ पे थोड़ा लेट उनकी पिकिंग की जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉफ़ी प्लांट. एंड नाउ अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद प्रोसेसिंग है पूरी. प्रोसेसिंग में एक लंबा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया है, प्रोसेसिंग ऑफ कॉफ़ी प्लांट, जिस चीज़ को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए इससे. अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी. एंड थैंक यू सो मच.